Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. आज है करवा चौथ, तो वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल यू गाइज. एंड आप लोग सोच रहे हो करवा चौथ है और मेरे हाथों में मेहंदी नहीं है. ये देखिए एकदम हल्की हल्की से ऐसे डॉटेड लगा लिए मैंने, क्योंकि हम जा रहे हैं थाईलैंड परसों के दिन. एंड मुझे ना थाईलैंड जाते वक्त ऐसे मेहंदी 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 टाइप से ना मुझे हाथ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वहाँ पे वो जो हनीमून कपल्स आए रहते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है. तो मुझे समहाव अपना अपना इंटरेस्ट होता है यार, तो मुझे समहाव वो जचता नहीं है. तो इसलिए मैंने मेहंदी लगानी होती है ना, तो एक डॉट भी काफ़ी होती है, तो मैंने इतनी लगाई. दिवाली पर मैं अच्छी वाली मेहंदी लगाऊंगी, ठीक है. तो वही है, अभी मैं तैयार हुई हूँ. तो अभी हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा, क्योंकि मुझे कुछ गोल्ड का आइटम लेना है. जैसे कि ये जो रिंग पहनती हूँ ना मैं, यहाँ ऊपर वाले, तो इस ऐसे वाले ना छोटे गोल्ड के रिंग लेने हैं. ये सारे मेरे अभी आर्टिफिशियल हैं, तो मुझे गोल्ड के रिंग लेने हैं, तो उसके लिए जा रही हूँ. एंड वैसे भी मेरा करवा चौथ का गिफ्ट टाइप ही हो जाएगा ये, तो इसीलिए अभी मैं और सनी जा रहे हैं. सनी का काम भी कम था तो मैंने बोला चलो आप भी. एंड ऐसा भी धनतेरस पे वैसे भी हम कुछ कुछ गोल्ड या फिर स्टील या सिल्वर कुछ तो लेते रहते हैं, तो मैं धनतेरस पे कुछ और कढ़ाई वढ़ाई देख के रखी हूँ, वो लेने वाली हूँ. स्टेनलेस स्टील की बहुत सुंदर लगी है मुझे, वो लेने वाली हूँ. चलिए साथ चलते हैं एंड वहाँ जाके मैं मुस्तफ़ा में थोड़ी बहुत चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ. एंड आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हो, शाम को मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ, कैसे तैयार होने वाली हूँ, वो सब कुछ आज के व्लॉग में आप देखोगे. देखिए मौसम कितना सुहाना है, बट करवा चौथ वाले दिन ये मौसम डेंजरस होता है, क्योंकि चांद फिर जल्दी नहीं निकलता है रात को. लोग समझ सकते हैं जब बारिश का मौसम होता है तो चांद बहुत देर से आता है. एंड वैसे भी आज 10:01 का टाइम है रात का, तो भगवान ही जाने क्या होगा. वो देखिए वहाँ पे बादल एकदम काले बादल छाए हुए हैं, एकदम काले बादल, जिससे कि ना चांद बिल्कुल आएगा ही नहीं. सोचो बहुत लेट आने वाला है. सो अभी हम मुस्तफ़ा के स्टॉप पे पहुंच चुके हैं. एंड यहाँ से मुस्तफ़ा बस वॉकेबल डिस्टेंस है, जैसे आप सब लोगों को पता है मेरे ग्रॉसरी व्लॉग के थ्रू. ये देखिए फेरेर पार्क स्टेशन पे आए हैं हम, अभी फटाफट से जाते हैं. एंड आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे वाले ईयर रिंग्स ले रही हूँ. कितने सारे डिजाइन है. இக்காக்கு வந்து நம்ம இதுதானே சாமிக்கும் கட்டுறது. सो ये दो लिए मैंने, ये देखिए ये एक और ये एक. ये सनी की चॉइस है, ये बहुत चमक रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो इसीलिए ये चूज़ किया है. और ये वाले मैंने चूज़ किए ऐसे. हाँ ये लेके जाओगे तो हो गया. कितना है, 110 ग्राम है, इतना सॉलिड है. हाँ हम लोग अभी आए हैं एडिडास में, सनी को शूज़ ट्राई करने थे, तो ये वो करवा चौथ पे अपने आप को खुद गिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं ना सनी के गिफ्ट इतने महंगे होते हैं तो मैं गिफ्ट नहीं कर पाऊँगी. समझ सकते हो जो लेडीज़ मेरी जैसी होती हैं. हाँ यूट्यूब अर्निंग होती है बट उतनी भी नहीं होती है. और हाँ करवा चौथ ना हम लोग कैसे मनाते मालूम, मतलब पहले हम इतने सालों से जब से शादी हुई थी तो तब से हम लोग मतलब बिल्कुल बिना कुछ भी पिए बिना कुछ खाए मना देते. बट लास्ट ईयर से हम दोनों ने डिसाइड किया, एक्चुअली सनी ने ये बात डिसाइड की कि हम पानी पी के व्रत रखेंगे, क्योंकि यार सिंगापुर में इतनी ह्यूमिडिटी इतनी गर्मी है. आई अंडरस्टैंड कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है एंड गला इतना ख़राब सूख जाता है,
और ऐसे बीमार बीमार फील होता है। एंड वैसे भी हम एक दूसरे के लिए ही व्रत रख रहे हैं ना, तो फिर चल जाता है। तो सनी भी फास्ट करते हैं एक्चुअली मेरे साथ, तो हम लोग पानी पी के फास्ट रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय पी के जूस पी के भी रखते हैं, तो कोई गलती नहीं है यार, आपके मन की बात है। आपके मन को सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, इज़ वॉट आई बिलीव। ठीक है, तो अभी मैंने इयररिंग्स तो ले लिए, अभी मैं भगवान के सामने रख के उसके बाद ही पहनूंगी। मैं बिना भगवान के सामने रख के कोई भी गोल्ड चीज़ हुआ या कोई भी नया चीज़ हुआ वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो घर जाने के बाद भगवान के सामने रख के फिर पहनूंगी। शाम को कौन सी साड़ी पहनूँ वो भी सोच रही हूँ मैं। तो अभी बस वही जूते ट्राई कर रहे हैं, सनी का कॉल जला है, वो ख़त्म होने के बाद जूते ट्राई करेंगे एंड फिर घर जाएंगे। और मैं आलू ऑलरेडी गला के आई हूँ बॉईल करके, तो आलू का झोल बनाऊंगी आई थिंक आज मैं, उसके साथ पूड़ी या रोटी जो भी होगा, लेट्स सी। सो अभी जस्ट घर आए हम एंड अभी मैं खाना बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं खीर चढ़ाऊंगी, तो अपने आप धीरे 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 बनती रहेगी। एंड सनी ने आज बोला है कि वो झोल बनाएंगे, तो आलू का झोल बनाने का सोची थी ना, मैं आलू गलाई थी, तो सनी ने बोला कि मैं आज झोल बनाऊंगा। नेल पॉलिश देखिए कितना गंदा लग रहा है, पूरा आधा उखड़ गई, अभी इसको मैं क्लीन कर लूँगी, तो झोल बनाएंगे। एंड अभी टाइम हुआ है 6:30, तो वैसे टाइम के हिसाब से देखो मूनराइज़ के टाइम के हिसाब से तो अभी 3.5 घंटे बाकी हैं। ठीक है, तो 3.5 घंटे बहुत होते हैं पानी पिया हमने, तो फिर भी चलो ठीक है। तो हाँ, अभी इयररिंग का आई थिंक मैंने भगवान के सामने रखे हैं, तो अभी चेंज करूँगी ना, तो तब आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद। एंड आज से अच्छा दिन कब हो सकता है ना। एंड ऑल्सो आज ना ये भी है क्या, 11वीं शरीफ है, तो उसकी जैसे लास्ट ईयर मैंने मलिदा वगैरह बना के 11 चिराग बोलते हैं, 11 चिराग जलाती हूँ मैं, तो वो भी आज ही है। तो मैंने सोचा कि जो मीठा खीर वीर बना रही हूँ वो भी रख के मैं फातिहा भी पढ़ लेती हूँ साथ ही साथ, तो सब कुछ मिलके ही हो जाएगा आज। बहुत अच्छा दिन है आज एंड बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम भी आज करते हैं, क्योंकि आज का कुछ मम्मी भी बोल रहे थे कुछ आज का दिन बहुत अच्छा है बोल के, तो ये चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं। मैंने आप लोगों को बोला ना सुबह की, मैंने डिटेल में नहीं बोला, तो हम थाईलैंड जाने वाले हैं परसों के दिन, तो कल एक ही दिन है क्योंकि परसों सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट है, सुबह 7:30 बजे की है, तो इसीलिए अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उसके हिसाब से सामान वामान सब किया है अरेंज वगैरह। एंड हम लोग जा रहे हैं फुकेट एंड हम हमारी फ्रेंड कांता एंड उसके हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। हम कितने 4 nights 5 days के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद आते ही फिर दिवाली रहेगी, दिवाली की तैयारियां भी करनी है, तो वही था। तो अभी मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम का पैन लिया है, ये स्टेनलेस स्टील का मेरा एक बर्तन है, तो इसमें मैं अभी खीर चढ़ाऊंगी फर्स्ट सबसे पहले। लास्ट ईयर भी एक्चुअली मैंने रेड साड़ी ही पहनी थी, रेड एंड गोल्ड ब्लाउज के साथ, तो अभी मेरे पास रेड का ऑप्शन तो है नहीं, बट देखते हैं कुछ ऐसा एक है बगर उसका ना, एक्चुअली ग्रीन साड़ी है एंड देन रेड ब्लाउज है, तो ब्लाउज सिर्फ रेड है उसका तो पता नहीं है, रेड ही क्यों पहना होता है, जनरली रेड ज़्यादातर पहनते हैं, बट देन अभी मेरे पास रेड नहीं है, तो आई थिंक मैं कोई और कलर अल्टरनेटिव पहन लूँगी। तो अभी वही मेरा साड़ी का पिटारा खोलते हैं, और थोड़े बहुत सारी मैंने जो गणपति पे निकाली थी वो यहीं रखी हुई है, इनको मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो उनका भी कुछ करना है अभी फटाफट से, ये खोल के देखते हैं कि क्या क्या निकलता है इसमें से। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है इस बेड पे, क्योंकि ये सारा दिवाली का है जो मैंने ऑलरेडी तैयारी करके रखी है क्या क्या करना है, और वो नए पिलोज आए हैं वो भी दिवाली पे ही यूज़ में आएंगे, पहनी जा सकती है। वो एक्चुअली लास्ट ईयर वाली साड़ी ये थी जो मैंने पहनी थी, ये साड़ी एक्चुअली वो स्पेशल प्रेस होता है इस पर, ये छोटी बन जाती है, तुसी जब प्रेस करते हो तो बड़ी हो जाती है साड़ी, तो वो कुछ वैसी वाली है। तो अभी कौन सी पहनूँ वही सोच रही हूँ मैं, लेट्स सी। यहाँ पर तो ऑप्शन बहुत कम दिख रहे हैं मुझे इसमें, लेट्स सी कवर्ड में। होता है ना जैसे कि मैंने दिवाली के लिए ऑलरेडी सोच के रखा है कि ये साड़ी पहनूंगी, तो वो साड़ी मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ अभी, क्योंकि वो दिवाली पे ही पहनना है मुझे, तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सी पहनूं।
तो अभी यहाँ पे मैंने ये तैयारी कर ली है, लहसुन टमाटर और हरी मिर्च डालनी बाकी है इसमें, तो इसको मैं ना ये मिनी हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख दूंगी चॉप करके। तो सनी आके ना तड़का लगाएंगे अपने स्पेशल हाथों के साथ है ना, तो उनके हिसाब से जब वो तड़का लगाएंगे तो वो रेसिपी उन्होंने बनाई है। ठीक है, हम पूरा दिन भर काम करते हैं, हमारे हाथ से कुछ बनता ही नहीं। फिर चलो, उन्होंने आज बोल दिया कि मैं आज बनाऊंगा, तुम आराम करो। आराम क्या करना है, मैं भी खीर चढ़ाई हूँ ना, तो खीर तो बन रही है, धीरे धीरे पकती रहेगी वो। और उसके साथ मैं अभी बनाऊंगी, मैंने एक्चुअली पूरन पोली बनाई थी परसों के दिन, तो उसका अभी फिलिंग बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके एक दो तीन कनोले भी बना लूँ मैं, तो अच्छा रहेगा। आटा गूंद के रख दिया है मैंने एंड चावल रेडी हो गए हैं। देखिए चावल बस इतू से, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ, सनी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए चावल मेरे लिए हो गए रेडी और सब्जी अभी बन जाएगी, तो दैट्स इट। क्राउड से काम भी खत्म हो गया, अब बस चंदा मामा का वेट कर रहे हैं। चंदा मामा जब आएंगे तो फिर हमारा व्रत खुलेगा। एंड हाँ, साड़ी कौन सी पहननी है, मैं रात को भी डिसाइड कर रही थी, डिसाइड हो नहीं पाई, तो अभी जाऊंगी वार्डरोब में, मैं क्या क्या है देखूंगी, साड़ी कौन सी पहननी है, क्या करनी है बोल के। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड ये रही मेरी करवा चौथ की साड़ी। इस बार रेड नहीं है क्योंकि मेरे पास रेड के कोई ऑप्शन बचे ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जो नहीं है वही पहन लो। नहीं मतलब क्या, मतलब जो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में नहीं देखी होगी, क्योंकि आई थिंक जब मैंने ये साड़ी खरीदी थी तब मैंने ब्लॉग नहीं किया था, ये मैंने कोविड के टाइम इंडिया में खरीदी थी। तो मैंने आज ये साड़ी पहनी जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक सेकंड, मैं ये वाली लाइट भी लगाती हूँ। सो ये साड़ी बहुत सुंदर है, कलर भी, एंड सनी को इतनी पसंद है क्योंकि सनी ने साड़ी देखी ही नहीं थी मेरी। तो ये वाली चूड़ियाँ जो है, ये सनी जब इंडिया गए थे ना तब उन्होंने मेरे लिए लाए थे, एक्चुअली चार लाए हैं, तो मैंने बस यहाँ पे दो पहने, तीन पहने थे, बट सनी ने बोला कि ज्यादा लग रहे, तो मैंने यहाँ दो पहने हैं, एक यहाँ पे पहना है। और ये इस बार मैंने इंडियन एक्सपो से ये इयररिंग्स लिए थे उस दिन, तो ये वाले पहने। और ये देखिए साड़ी कुछ ऐसी है, एंड इसका ब्लाउज बहुत डिफरेंट है, मुझे बहुत पसंद है इसका ब्लाउज। तो ये मेरा खुद का डिजाइन था जो मैंने मेरे टेलर को दिया था एंड फिर उन्होंने सी के दिया था। ये देखिए कुछ ऐसा है, एकदम एकदम फैंसी है, बहुत सुंदर लग रही, एंड साड़ी का पूरा लुक देखिए, एकदम कम्फर्टेबल साड़ी है येट एलिगेंट लग रही है। और ये साड़ी मेरी मम्मी की, ये साड़ी मेरी मम्मी की फेवरेट है क्योंकि मम्मी का ही सिलेक्शन था ये कलर का। मैं एक्चुअली इसमें ना लैवेंडर कलर कुछ ले रही थी, बट मम्मी ने बोला कि ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड विच वॉज ट्रू। ये देखिए मैंने बिंदी लगा ली ब्लू एंड सिंदूर है। और अब जो है मैं अपनी करवा चौथ की जो छन्नी होती है उसको सजा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत प्लेन है, तो मैंने सोचा कि उसको सजा लेते हैं तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली वो प्लेन नॉर्मल किचन की छन्नी है जिसको मैं यूज़ करते हुए आ रही हूँ, मैं वो फैंसी वाली छन्नियाँ नहीं लाई हूँ, तो सिर्फ करवा लाई थी मैं लास्ट ईयर, तो वही यूज़ कर रही हूँ। बट इस बार मैं छन्नी को ना थोड़ा सजा रही हूँ, मेरे पास लेस वगैरह रखा हुआ है तो उससे मैं सजा रही हूँ ताकि अच्छा लगे ना, एक दो फोटोज़ भी आएंगे, डिफरेंट लगेगा, करवा चौथ की फील आनी चाहिए अल्टीमेटली, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं सजाने का कार्यक्रम, सजाने का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे कर रही हूँ। सो ये देखिए ये प्लेन छन्नी है, तो इसके ऊपर अभी मैं ये ग्लू मिलता है क्राफ्ट ग्लू, उसको लगा के ना ये पूरा लेस लगा रही हूँ। अभी इसको एक और लाइन यहाँ पे लगाऊंगी, फिर मेरे पास ऐसा वाला भी है शाइनिंग वाला, वो भी लगाऊंगी। सो फाइनली मेरी जो छन्नी है वो सज चुकी है, ये देखिए कितनी प्यारी सजी है। हाँ, ये ऐसे इतने चमक रही है मालूम लाइट में, एक्चुअली देखिए मैंने इस पे ये भी लगाए और यहाँ पे लगाया, फिर ये लेस लगाया, तो ये देखिए। मैं जब इंडिया गई थी ना मैं ये सब लेके आई थी, मतलब अभी नहीं, आई थिंक दो तीन साल पहले जब मैं कोविड के बाद आई थी ना, तो तब मैंने ये सब लेके आई थी, तो मुझे परसों इसकी बैग मिल गई जहाँ से मैंने ये सब कुछ निकाल के रखा था, तो अभी इसको मैंने सजाया है। अब ये परमानेंट मेरी करवा चौथ की छन्नी बन जाएगी, जो कि देखिए मैं ऐसे देख रही होंगी सनी को छन्नी के थ्रू। बहुत सुंदर सजी है ना, मैं सोच रही थी कि इसको और कुछ लगाऊं लटखन टाइप, बट देन वो दिखेगा नहीं, ऐसे रहता है तो यहाँ लटखन दिखते हैं, ऐसे में लटखन नहीं दिखेंगे, तो यही है। अभी तो कितनी वैरायटी की छन्नी आई है यार इंडिया में, मैं व्लॉग्स देख रही थी कुछ कुछ के,
दो छन्नियां मतलब ऐसी होती नहीं है, अभी छन्नी सिर्फ ये होता है नेट का पार्ट और उसके थ्रू देखते हैं। एंड इतनी डिफरेंट डिफरेंट सजावट की छन्नियां आई है, तो ये तो मेरी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट ईयर होपफुली मैं इसको और ज्यादा सजाऊंगी, बट अभी के लिए इतना काफी है। तो इसको बस सूखने के लिए मैं यहाँ विंडो में रख रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए इसका ग्लू और फिर मैं इसको एक घंटे के बाद यूज कर पाऊँ। ये आटे वाली छन्नी थी मेरी नॉर्मल, तो मैंने इसको आई थिंक लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ पे यूज किया था, तो इसी को मैंने परमानेंट रख दिया है अभी। तो अभी एक घंटा है ठीक है, तो सनी अपना टीवी देख रहे हैं कुछ कुछ, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं वो कनोले भी बना लेती हूँ, जो पूरन पोली का जो फिलिंग है उसको भर के मैं कनोले बना लेती हूँ। और ये ब्लाउज ना लिटरली ये देखिए इतना लूज हो गया है, लिटरली पूरा ऐसे ढीला पड़ा हुआ है, तो मैं इधर खींच खींच के इसको थोड़ा नॉर्मल कर रही हूँ। यहाँ से ढीला हो गया है, यहाँ से ढीला हो गया है, क्योंकि कोविड टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर चुकी थी। मम्मी के घर पे थी 2 साल, तो मैंने इतना कुछ खाया है उल्टा सीधा, एंड कोविड में तो आप लोगों को पता ही है हमने क्या नहीं बना के खाया है सब लोगों ने। तो ऐसे खा खा के ना मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, एंड उस टाइम मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था, तो उस हिसाब से ना ये ब्लाउज मैं तब बहुत मोटी थी, एंड अभी बिल्कुल ढीला है, देखिए पूरा ढीला पड़ गया है। सनी एक्चुअली पहली बार देखी ना, तो मैं जैसी साड़ी पहन के आई जब वो मेरे फोटोज खींच रहे थे, तो बोलते हैं कि ये ब्लाउज इतना ढीला ढीला सा क्यों पहना है। तो मैंने बोला कि एक्चुअली मेरा ही ब्लाउज है, बट देन ये कोविड टाइम का ब्लाउज है, तो इसीलिए बहुत ढीला लग रहा है। मैंने उनको इसलिए देख के उनको ऐसा ही लगा कि ये मेरा ब्लाउज नहीं है, किसी और का मैंने पहन लिया है, उनको ऐसी फीलिंग आई। ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चाट बनाऊँ क्या ऐसे, यू नो पूड़ी तल के, पानी पूरी की पूड़ी रखी है मेरे पास, तो आलू ऐसे तल के उसके अंदर डाल के कुछ ऐसा चाट बनाऊँ सोची हूँ, ताकि अच्छा लगे सनी को भी, ना स्पेशल फील कराना चाहिए। एंड देखिए जो इयररिंग्स मैंने लाए थे ना वो मैंने पहन भी लिए, तो ये देखिए ये इसमें ना ऐसे ही हिलते रहते हैं हमेशा, तो ये कुछ ऐसे हैं और ये वाले कुछ ऐसे हैं। मुझे नेल पॉलिश निकालने का अभी भी टाइम नहीं मिला, तो ये देखिए ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। करवा चौथ का गिफ्ट भी पहन ही लिया। एक्चुअली एक रिंग जो है एक मैंने लिए है और एक रिंग जो है वो सनी ने दिलाए मेरे, मतलब मैं बोलती हूँ ना कि मैं हर महीना कुछ कुछ पैसा जमा करती हूँ ताकि मैं कुछ गोल्ड लूँ छोटा मोटा आइटम, तो वो एक इयर रिंग मैंने लिए है, तो एक सनी का प्योर गिफ्ट था करवा चौथ का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए झोल बन के तैयार हो चुका है, ये सनी ने बनाया है झोल, और मैं सिर्फ 2 आलू के झोल बनाई हूँ क्योंकि ज़्यादा बचना भी नहीं चाहिए ना, परसों हम ट्रैवल करने वाले। मैंने ये बना लिया है फटाफट से, देखिए ये कनोले भी तल दिए हैं और ये आलू के देखिए छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया, एंड इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि अभी हम पूड़ियों के अंदर जब इसको स्टफिंग करेंगे तो इसके अंदर और ज़्यादा हम मसाले मतलब क्या चाट मसाला डालेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे उसमें चटनी, हरी चटनी लाल चटनी वगैरह डालेंगे ना, तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा फिर। और वैसे ही आप फास्टिंग करने के बाद ना ज़्यादा नमकीन नहीं खाना होता है क्योंकि उससे ना एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इसीलिए उतना ही रखा है मैंने। और मैंने पूड़ियाँ भी तल ली, पानी पूड़ी की पूड़ियाँ, एंड फिर साथ ही साथ मैंने कुछ हमारे कर्नाटक साइड वाले जानते होंगे शेंडगी बोलते हैं हम इसको, शेंडगी या फिर अलग टाइप के पापड़ होते हैं, कन्नड़ा का वर्ड बोला है मैंने, हम तो क्या बोलते हैं हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, क्या होता है कुरुडले या कुछ तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वो भी तल लिए मैंने, ये कुछ ऐसे होते हैं और तलने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं, इतने से छोटे होते हैं तलने के बाद ना एकदम ऐसे बड़े हो जाते हैं। तो ये आए थे आयशा की मम्मी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसके मम्मी ने दे के भेजा था लास्ट टाइम, तो वो तला मैंने, एंड ये एक चावल का पापड़ है, चावल के पापड़ इसको तला मैंने,
और फिर इसको मैंने एक बॉक्स में डाल के रख दिया है ताकि ये नरम ना हो जाए। अगर थोड़ी भी इसको हवा लगती है ना जल्दी नरम हो जाती है ये, तो इसलिए इसको मैंने ये बॉक्स में डाल के रखा है क्योंकि अभी बस टाइम हाफ एन आवर बचा है, हाफ एन आवर के बाद हम डिनर कर सकते हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी है, अभी बस मैं चटनी थोड़ी सी फ्रिज से निकालूंगी, रेडीमेड चटनी है मेरे पास तो वही मैं डाल दूंगी, बस वो बन जाएगा। एंड थोड़ा सा मीठा दही भी, खीर तो तैयार हो चुकी है। एंड पूरी थाली सजाने के बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी खाने की थाली, ठीक है, क्योंकि मैं आज खाने वाली हूँ बड़ी सी थाली में। सनी को मैं नॉर्मल दूंगी बट मुझे बड़ी थाली में खाना बहुत पसंद है, अलग 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 आइटम्स ऐसे लगा तो मैं वैसे खाऊंगी। सो ये देखिए, ये रही हमारी थाली, ये रहे ककड़ी राइस और ये थोड़ा सा मैंने जो चाट बनाया था वो पापड़ रोटी पूड़ी एंड खीर और ये झोल और ये कनोला। तो अभी हम इसको खाने वाले हैं।